नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DHP न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज है तारीख 10 मई 2021 दिन सोमवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हिमाचल में कोरोना के 3093 नए केस, 2459 ठीक, 55 की मृत्यु, एक्टिव केस 32,000 पार। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 3093 मामले आए हैं, वहीं 2459 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। रविवार को 55 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 131,423 पहुंच गया है। अभी 32,469 एक्टिव केस हैं। अब तक 97,045 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,872 है। कांगड़ा में 650, शिमला में 530, मंडी में 425, बिलासपुर में 304, हमीरपुर में 287, सिरमौर में 281, ऊना में 245, सोलन में 172, चंबा में 116, कुल्लू में 46, लाहौल स्पीति में 19 व किन्नौर में 18 मामले आए हैं। मंडी के 509, कांगड़ा के 444, सोलन के 412, सिरमौर में 244, शिमला के 214, हमीरपुर में 203, चंबा में 131, ऊना में 121, बिलासपुर में 105, कुल्लू में 42, लाहौल स्पीति में 29 व किन्नौर में 5 ठीक हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान 3 घंटे ही खुलेंगी दुकानें, जाने किस जिले में क्या रहेगा समय। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें सोमवार सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। नए आदेश के तहत पूरे प्रदेश में अब सिर्फ 3 घंटे के लिए जरूरी रोजमर्रा के सामान और उचित मूल्य की दुकानें ही खुल सकेंगी। सभी जिलों में दुकानें खोलने का समय जिला उपायुक्तों ने निर्धारित कर दिया है। हालांकि पूरे प्रदेश में रेस्तरां और ढाबे पर्यटन विभाग के SOP के तहत शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और उचित दूरी के साथ खाना भी परोस सकेंगे। जिन जिलों में उपायुक्तों ने इनके खुलने पर पाबंदी लगाई है, वे होम डिलीवरी कर सकेंगे। प्रदेश के प्रवेश द्वारों और जिलों के नाकों पर पुलिस का कड़ा पहरा लग गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके। आदेश में यह स्पष्ट किया है कि नई बंदिशों में प्रदेश भर में निजी और सरकारी बसें, टैक्सियां बंद रहेंगी। कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग और अन्य इमरजेंसी में ही लोग निजी वाहनों का निर्धारित 50% क्षमता के तहत इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रहेंगे, जबकि भवन निर्माण से जुड़ी और हार्डवेयर की दुकानें बंद रहेंगी। राशन डिपो में 3 घंटे में करीब 50 लोगों को ही राशन देने की व्यवस्था हो सकती है। दवाओं और पब्लिक सर्विस की डिलीवरी के लिए भी निजी वाहनों के इस्तेमाल को अनुमति होगी। ये सब रहेगा खुला। राशन डिपो, फल, सब्जी, दूध उत्पाद, मीट, मछली, पशु आहार, चारा और कृषि उत्पादों की दुकानें 3 घंटे खुलेंगी। शहर में होटल, ढाबा और रेस्तरां संचालक सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे, ये रहेगा बंद। हार्डवेयर की दुकानें, सरकारी व निजी कार्यालय, शराब की दुकानें, सैलून, शोरूम, मॉल मार्केट, सिनेमा हॉल, बाजार, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। इन पर बंदिशें नहीं हैं। मेडिकल लैब, फार्मेसी, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस, एम्बुलेंस संचालन पर बंदिशें लागू नहीं होंगी। हालांकि बैंक पूर्व निर्धारित समय पर खुलेंगे। इस सूची में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जिले में कितने बजे से कितने बजे तक जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई, 5वें दिन शंकाएं करेंगे दूर, 6ठे 7वें दिन होंगे क्विज। सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में जून से बदलाव होने जा रहा है। हर घर पाठशाला कार्यक्रम का पार्ट 2 शुरू करने की शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत 1 सप्ताह के दौरान 4 दिन अब नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई करवाई जाएगी। 5वें दिन डाउट दूर किए जाएंगे। 6ठे और 7वें दिन में बीते 4 दिनों के दौरान करवाई गई पढ़ाई के आधार पर व्हाट्सएप क्विज होंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के हर विद्यार्थी के घर तक अब 2 सप्ताह का शिक्षा से जुड़ा प्रिंट मटेरियल भी पहुंचाया जाएगा। प्रवासी मजदूर लौटे घर, बस अड्डों पर उमड़ी भीड़। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से कोरोना कर्फ्यू की सख्त बंदिशों के लागू होने से पहले ही रविवार को सरकारी व निजी बसों के पहिए थम गए। प्रदेश के अंदर अंतर जिला और लोकल बसों का संचालन न के बराबर हुआ। इस कारण एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सोमवार से बसों के संचालन बंद होने की खबर के साथ ही प्रदेश भर में काम कर रहे दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और कर्मियों ने घर वापसी शुरू कर दी। ज्यादातर जगह निर्माण और अन्य कार्य बंद होने से मजदूर रोजगार के प्रति आशंकित हो गए हैं। रविवार को ISBT शिमला समेत विभिन्न जिलों के इंटरस्टेट बस अड्डों पर चंडीगढ़ और दिल्ली जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
बिजली गिरने से युवक की मौत, रोहतांग में बर्फबारी, कई जगह बारिश, ओलावृष्टि। रोहतांग में रविवार को भी ताजा बर्फबारी हुई। रामपुर की कई पंचायतों सहित सराज घाटी और दौलतपुर चौक में ओले गिरने से सेब कलम को नुकसान हुआ। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बारिश हुई। उधर सिरमौर जिले के पछाड़ क्षेत्र की लानाबाका पंचायत में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 24 वर्षीय सूरज नेपाल का रहने वाला था, जो यहां पर एक स्थानीय व्यक्ति की जमीन पर खेतीबाड़ी का काम करता था। सोमवार को प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 13 मई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 15 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। रविवार दोपहर बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में मौसम ने 5 शादियों में पुलिस की दबिश, नियम तोड़ने पर ठोका जुर्माना। हिमाचल के जिला सिरमौर पुलिस ने नियम तोड़ने वाले शादी समारोह पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस शादी समारोह के बीच दस्तक दे रही है, जहां कोरोना कर्फ्यू के बीच नियम तोड़ने वालों पर पुलिस 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। जिले के शिलाई में एक शादी समारोह में मीट की धाम चल रही थी, जहां पुलिस ने अचानक दबिश दे दी। धाम में 30 से 35 लोग पाए गए। मामला शिलाई के बुटियाना गाँव का है, जहाँ पुलिस ने आयोजक कुंदन सिंह से 5,000 रुपये जुर्माना वसूला। इसके साथ ही पुलिस ने मास्क न पहनने वालों से 2,000 रुपये के चालान भी वसूल किए। इसी तरह पुरुवाला पुलिस ने सालवाला गांव में एक शादी समारोह में दबिश दी, जहां 60 से 65 लोग एकत्रित थे। पुलिस ने शादी समारोह के आयोजक बिशन सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह श्यामपुर में भी पुलिस ने शादी समारोह में दबिश दी, जहाँ 40 से 45 लोग शादी में पाए गए। वहीं संगड़ा पुलिस ने मायना गाँव में चल रहे एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर आयोजक के खिलाफ 5,000 का जुर्माना वसूला। वहीं रेणुका पुलिस ने भी गिरिपार इलाके के खुड गांव में दबिश देकर शादी समारोह में कोविड नियमों की अवहेलना पर आयोजक के खिलाफ जुर्माना ठोका। सब्जी मंडी सोलन पहुंची लहसुन की पहली खेप, किसानों को मिल रहे अच्छे दाम। सब्जी मंडी सोलन में लहसुन की पहली खेप पहुंच गई है। यह इस सीजन की सबसे पहली खेप है। अभी तक 2 दिनों में करीब 3 क्विंटल लहसुन पहुँच चुका है। किसानों को पिछले साल के मुकाबले इस बार लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं। पिछले वर्ष लहसुन 55 से 60 रुपए प्रति किलो बिका था। इस बार किसानों को लहसुन के दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। हालांकि अभी सब्जी मंडी में स्थानीय लहसुन ही पहुंचा है। एक सप्ताह में जिला सिरमौर का लहसुन पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। रविवार को सोलन क्षेत्र के कुछ किसानों ने अपने घर से ही आढ़तियों को 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लहसुन बेचा। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व विधायक राम सिंह वीरभद्र ने निधन पर दुख जताया। उपमंडल के पूर्व विधायक राम सिंह का रविवार को उनके पैतृक गांव ग्यूनी लांगड़ा के ब्यास नदी के किनारे स्थित कांडापत्तन में अंतिम संस्कार किया गया। कोविड 19 की पाबंदियों के चलते अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। उनके तीनों बेटों नरेश, चंद्रजीत और लोकेश ने अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा कर मुखाग्नि दी। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व विधायक के निधन पर दुख जताया। अटल टनल के पास धुंधी में सड़क हादसे में 2 की मौत। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से धुंधी में एक पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का मनाली अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि रविवार को अटल टनल रोहतांग की तरफ से एक पिकअप गाड़ी मनाली की ओर आ रही थी। इस बीच अटल टनल के पास धुंधी में चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे क्रैश बैरियर तोड़ते हुए सड़क से नीचे जा गिरी। शमशान घाट पर ताला, चिता तक शव पहुंचाने भी नहीं आया कोई। जोगिंदरनगर में कोरोना संक्रमित महिला के अंतिम संस्कार के लिए मानवीय संवेदनाएं नहीं दिखी। मृतक महिला के बेटे और एक नजदीकी रिश्तेदार ने बड़ी मुश्किल से शव चिता स्थल तक पहुंचाया। इस दौरान शव कई बार फर्श पर घसीटता रहा। इनकी मदद के लिए किसी ने हाथ नहीं बढ़ाए। हालांकि बाद में प्रशासन की देखरेख में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर पहुंचने पर यहां गेट बंद मिले। परिजनों की गुहार के बाद भी शमशान घाट का मुख्य द्वार नहीं खोला गया। प्रशासन की सख्ती और हस्तक्षेप के बाद जब शमशान घाट का द्वार खुला तो संक्रमित महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए चिता स्थल तक पहुंचाना मृतक के स्वजनों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। घर के बाहर जोर से हुआ धमाका, बाहर जाकर देखा तो मकान मालिक के उड़ गए होश। हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डडुवाल में सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते मकान पर जा गिरा। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए, लेकिन मकान का काफी नुकसान हुआ है। मकान के पास खड़ी बाइक इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। ट्रक बरमाना से किरतपुर जा रहा था। घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है।